वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं और आपसे यही निवेदन, पंकज जी और मैं दोनों अपने घर से बात कर रहे हैं, सिर्फ हमारा असेंशियल स्टाफ इस समय बाहर है, जिनके बिना हम काम नहीं चला पाएंगे, तो उनके लिए हैट्स ऑफ और थैंक यू। और आपसे ये निवेदन कि आप भी अपनी सुरक्षा के लिए जब तक जरूरी ना हो घर के बाहर ना निकलें और अपना ख्याल रखें। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, रियल स्टेट पर कुछ और चर्चा। और मिस्टर आकाश हमारे साथ आ गए इस वक्त फोन लाइन पर। आकाश जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आई होप कि आपके घर परिवार में सब बढ़िया रहा होगा। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप। यस सर, एक्चुअली मेरा सर सवाल ये था कि मेरा सर रिक्वायरमेंट था कि मुझे 1 या 1.5 BHK रिक्वायरमेंट था इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। और मैंने सर 3 लोकेशन चूज किया था। एक तो मेरा था कल्याण, सेकेंड वन इज डोंबिवली एंड थर्ड वन इज फुलवे जी। तो इन्वेस्टमेंट सर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा लोकेशन सर बेटर रहेगा? और ये सेकेंड ये था कि अपना ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये क्या मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन बेटर रहेगा कि रेडी टू मूव बेटर रहेगा? देखिए आपका राइट, और अगर आप मुझे थोड़ा बजट बता पाए तो और सहूलियत होगी आपके। सर बजट था 35 to 40 lakhs। 35 to 40 lakhs, ठीक है। तो आकाश जो है वो मुंबई के एक्सटेंडेड सबर्ब्स में, चाहे उल्वे की बात कर ले, कल्याण, डोंबिवली, यहाँ पर एक घर देख रहे हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, और 40 to 45 lakhs का बजट रखते हैं। पंकज जी इन्वेस्टमेंट पर्पस है मुंबई के एक्सटेंडेड सबर्ब्स में, क्या इनके लिए माफिक रहेगा, किस एरिया को इन्हें चूज करना चाहिए? देखिए अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं तो उल्वे वाला जो रीजन है उसकी तरफ ज्यादा रुझान अब कहने लगूंगा, क्योंकि कारण है ट्रांस हार्बर लिंक पे अब जो एक्टिविटीज है वो काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच गई है। अब ये लग रहा है कि नेक्स्ट 2 साल के अंदर ये ब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा, तो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो साउथ मुंबई से जो इसकी कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइजेस सर्टेनली इम्प्रूव होंगे यहाँ से। तो अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो उल्वे है आपका, अलीबाग का रीजन है, ये वाले 2-3 रीजन है जो आप देख सकते हैं, बदलापुर एंड कल्याण, अंबरनाथ, ये जो रीजन है यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। अगर आपके बजट में फिट होती हुई चीजें और खुद सेल्फ यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से रह रहे हैं तो आप उधर जा सकते हैं। इस समय पे मैं जरूर बोलूंगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से ज्यादा अच्छा है आप रीसेल प्रॉपर्टी या रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट जो बिल्डर के पास इन्वेंट्री पड़ी है वहां से आप खरीदें। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपके डिले हो सकते हैं लॉन्ग टर्म, तो ये है। दूसरी बात है कि रेजिडेंशियल के अंदर रेंटल यील्ड्स वैसे बहुत कम होती है, और आज भी अगर हम मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस देखें तो 2-2.5% से ज्यादा कहीं आपको रेंटल यील्ड दिख नहीं रही है। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आपके पास बहुत बड़ा अपसाइड रीसेंट शॉर्ट स्पैन के अंदर आपको दिखता है, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अगर आप उल्वे की तरफ ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेहतर होगा। तो राइट, आपके लिए इन तीनों चारों इलाकों में उल्वे बेहतर होगा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर। क्या उसके फायदे हैं और क्यों ये बेहतर है वो पंकज जी ने आपको विस्तार से बता दिया। तो आकाश भाई मुझे लगता है कि आपको एक डायरेक्शन तो मिल गई है, आगे और कोई संशय कोई परेशानी तो आप हमें बेझिझक लिखिए, हमसे बात कीजिए। चलिए फटाफट अब हम आदित्य साहब का भी हम एक फोनर ले लेते हैं जो कि हमारे साथ मुंबई से ही जुड़े हुए हैं। आदित्य भाई बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आई होप कि सब बढ़िया आपके यहाँ पर। बताइए कैसे मदद करें आपकी। बिल्कुल सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसी कंडीशन में भी शो कैरी ऑन कर रहे हैं नॉलेज बांटने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी लास्ट क्वेश्चन जो है उसी के एक्सटेंशन में मेरा एक पार्ट रहेगा, उल्वे वर्सेस पुणे फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। 50 लाख का मेरा बजट है 2 BHK के लिए, तो रेंटल इनकम्स के लिए उल्वे या फिर पुणे में कौन सा बेटर रहेगा, और पुणे में कुछ एक तो अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर बता पाए तो ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें क्या देखना चाहिए लेने से पहले। ओके, तो आप कमर्शियल में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं राइट? सर कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं यहाँ पर आदित्य। और ठीक है, और प्योर आपका पर्पस जो है वो इन्वेस्टमेंट का है राइट? इन्वेस्टमेंट, यस।
जी, तो आदित्य भाई देख रहे हैं या तो उल्वे या फिर पुणे। आप उल्वे से निकलिए, थोड़ी सी ड्राइव कीजिए, बढ़िया सड़क का आनंद लीजिए, आप पुणे में पहुंच जाएंगे। लेकिन घर खरीदना है तो किसी एक ही जगह खरीद पाएंगे या इन्वेस्ट करेंगे, तो दोनों में कौन बेहतर है, घर या फिर कमर्शियल? दो आप पूछ लेते हैं। तो पंकज जी, उल्वे और पुणे और कमर्शियल या रेजिडेंशियल, और अगर कुछ प्रोजेक्ट भी हम इन्हें सजेस्ट कर पाए। देखिए, आज के दिन मैं अगर चूज करता हूँ तो मैं उल्वे की तरफ करूंगा, और मे बी अलीबाग को भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि रोरो सर्विस और कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ गई है और ये साउथ मुंबई से कनेक्ट करता है, तो आपके पास जो एप्रिसिएशन के चांसेस हैं वो इस एरियाज में ज्यादा है। पूना में भी अगर आप मतलब है कि आप इकोनॉमिक हब के पास में रहेंगे तो ज्यादा बेटर है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पे एक अपसाइड है, क्योंकि आईटी ड्रिवन इकोनॉमी है और मुझे लग रहा है कि कमर्शियल ऑफिस स्पेस पे बहुत बड़ा डेंट पड़ा है कोविड का, तो इसके रहते बहुत सारे लोग जो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन थी वो शिफ्ट हुई है बैक टूवर्ड्स देयर होम टाउन, तो वैकेंसी बढ़ जाएगी तो रेंटल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है पूना के जो जो आईटी रिलेटेड ईस्टर्न साइड्स, वेदर हिंजेवाड़ी साइड, वेदर भगोली साइड्स और हिंजेवाड़ी साइड, दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको जो रीजन है वहाँ पे वैकेंसीज जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, तो रेंटल के ऊपर प्रेशर रहेगा, तो मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ। मैं उल्वे को प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूँ, हालांकि ये काफी स्पेकुलेटिव मार्केट रहा, क्योंकि ट्रांस हार्बर एयरपोर्ट ये सारी चीजों को लेकर के यहाँ के पहले के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन क्योंकि अब ये एक्टिविटी और ये कनेक्टिविटी बननी चालू हो गई है तो अब प्रोबेबिलिटीज ऑफ एप्रिसिएशन इन दिस पर्टिकुलर मार्केट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही ये कनेक्टिविटी बन जाएगी, ट्रांसफार्मर बन जाएगा और जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट दो साल में रेडी हो जाएगा, तो इसकी जो कनेक्टिविटी साउथ मुंबई से और सर कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेरे दो तीन यार्ड स्टिक्स हैं कि आप कमर्शियल में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस वक्त आप ऐसी जगह पे जहाँ पे रिटेल शॉप्स हैं और ऑक्यूपेंसी आ रही है वहाँ पे आप डाल सकते हैं उन रिटेल शॉप्स के अंदर। कमर्शियल ऑफिस के अंदर मुझे ये है कि क्योंकि आपका बजट कम है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी ज्यादा अल्टरनेटिव्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपको मिलते भी हैं तो आप ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढिए जिसके अंदर 40-50% की ऑक्यूपेंसी हो एंड रेंटल यील्ड का जो कैपिटलाइजेशन है जो आपकी वहां पे कमर्शियल ऑफिस के लिए वो कम से कम 10-12% हो। अगर रेंटल यील्ड आपकी 6-7% चल रही है तो उसमें प्राइस में प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती है, तो कमर्शियल ऑफिस में यार्डस्टिक्स डिफरेंट है, उसमें रेंटल कैपिटल रेंटल यील्ड आपकी 11-12% होगी तो आपके पास निवेश का में अपसाइड दिखाई देगी। राइट, तो ये हो गई आदित्य के लिए एक शानदार सलाह, और इसी के साथ हमारे लिए वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवालों का सिलसिला जारी रहेगा।